फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दिस इज अर्चना मनचंदा। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार IBPS PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि SBI PO का पैटर्न ही फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको 30 मिनट्स मिलेंगे टोटल डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए, जिसमें आपको एक एसे और एक लेटर लिखना होगा और इसके लिए टोटल मार्क्स होंगे 25, जिसमें 15 मार्क्स एसे राइटिंग और 10 मार्क्स लेटर राइटिंग के होंगे। एंड मोरओवर ये टेस्ट ऑनलाइन लिया जाएगा, तो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए कि आप 30 मिनट्स में एसे और लेटर दोनों कंप्लीट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लेटर राइटिंग के ऊपर बात करेंगे। विल डिस्कस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेटर राइटिंग इज रियली सिंपल। इफ़ यू नो द फॉर्मेट यू कैन स्कोर रियली वेल। तो फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। अगर आप फॉर्मेट जानते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स इजीली आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो फॉर्मल लेटर में फॉर्मेट किस तरह का होगा? सबसे पहले सेंडर्स नेम एंड एड्रेस आएगा सबसे ऊपर, एंड सभी कुछ आपको लेफ्ट साइड पे लिखना है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिखना। ओके, सो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर लेफ्ट में आपको सेंडर्स नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है, यानी आपका नाम और एड्रेस, बट आपको अपना रियल नेम वहां पर नहीं लिखना है एग्जाम में। ओके, तो आप कोई भी फेक नाम ले सकते हैं या फिर ABC XYZ एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। तो नाम, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा कुमार, देन एड्रेस फॉर एग्जाम्पल 19 गणेश अपार्टमेंट्स, साई नगर, दिल्ली, एंड देन पिन कोड। सो इस फॉर्मेट में आपको नेम और एड्रेस मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको थोड़ा स्पेस देना है, एक लाइन का स्पेस दे दीजिए, टू लाइंस का स्पेस दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको डेट लिखना है, वहीं पर लेफ्ट साइड पर सेंडर के नीचे यहाँ पर। तो किस फॉर्मेट में होगा डेट? डे, मंथ, ईयर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 23rd November 2017, इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। देन अगेन यू हैव टू गिव सम स्पेस, और स्पेस के बाद देन यू हैव टू मेंशन रेसिपिएंट्स एड्रेस। रेसिपिएंट्स एड्रेस इसी के नीचे कुछ स्पेस देकर एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में। ओके, नेम एंड एड्रेस, सो मिस्टर गणेश सैनी, एंड इनकेस कोई नाम मेंशन ही नहीं है वहां पर तो आप टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, शिवा कॉरपोरेशन, 10 हरिनगर, दिल्ली, एंड देन द पिन कोड। ओके, और आफ्टर रेसिपिएंट्स एड्रेस अगेन गिव सम स्पेस। स्पेस देने के बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यू कैन राइट, अगर आपको नाम पता है जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा, देन यू कैन मेंशन द नेम, डियर मिस्टर सैनी, और यू कैन राइट, एंड इफ यू डोंट नो द नेम देन यू कैन राइट डियर सर और रिस्पेक्टेड सर। ओके, एंड और अगर वो लेडी हैं, इफ यू नो द नेम, और आई मीन यू कैन ऑल्सो राइट रिस्पेक्टेड मैम, और यू कैन राइट डियर मिसेज सैनी फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो आफ्टर सैल्यूटेशन देन अगेन सम स्पेस, और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इस तरह से, सब्जेक्ट डैश, देन फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट, जो क्वेश्चन होगा उसी में से आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस के लिए लेटर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, तो आप सब्जेक्ट में ले लेंगे सब्जेक्ट डैश जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ओके, तो इस तरह से आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। सब्जेक्ट के बाद बॉडी।
ओके, उसके बाद इसमें कंटेंट किस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन और पर्पस ऑफ राइटिंग देना है। सो यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग। सो दैट वुड बी योर फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद उसके बाद आपको और डिटेल्स देनी है जो फॉलोइंग पैराग्राफ होंगे। सो यू कैन यूज़ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स टू इलेबोरेट अपॉन योर मैसेज। ओके, तो उसमें जितना आपको इलेबोरेट कर सकते हैं कीजिए, बट प्लीज़ नोट दैट यू हैव टू यू शुड स्टिक टू द वर्ड काउंट। अगर वहाँ पे दिया गया है कि आपको 75 वर्ड्स या फिर 100 वर्ड्स में लेटर लिखना है, तो प्लीज़ स्टिक टू दैट। ओके, तो इलेबोरेट करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आता है, उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। एक वन या टू लाइंस में आपको कंक्लूड करना है, क्लोज करना है, समराइज कर सकते हैं आप। उसके बाद अगेन बॉडी के बाद स्पेस देकर देन यू वुड राइट योर्स सिंसियरली और यू कैन राइट योर्स ट्रूली एंड प्लीज़ नोट कॉमा आएगा। योर सिंसियरली के बाद कॉमा आएगा, योर्स ट्रूली के बाद कॉमा आएगा। यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, एड्रेस के बाद कॉमा की ज़रूरत नहीं है, यू कैन अवॉइड द कॉमा हियर। ओके, तो यहाँ पे सिंसियरली के बाद कॉमा, योर सिंसियरली योर्स ट्रूली एंड देन योर सिग्नेचर्स, कोई भी फेक सिग्नेचर्स आप कर सकते हैं एंड देन सेंडर्स नेम विल कम हियर। सो फॉर एग्जांपल कृष्णा कुमार हमने एक फेक नाम लिया है जो आप भी ले सकते हैं। सो दिस वॉज द फॉर्मैट फॉर फॉर्मल लेटर। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मैट कैसा होना चाहिए, चलिए देखते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में जैसे फॉर्मल लेटर में लिखा था एग्जैक्टली सेम सेंडर्स नेम एंड एड्रेस आएगा लेफ्ट साइड पर, इसमें भी सब कुछ आप लेफ्ट साइड पर ही लिखेंगे। सो फर्स्ट सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, कृष्णा कुमार 19 गणेश अपार्टमेंट्स न्यू दिल्ली, सो दिस इज एन एग्जाम्पल। एंड देन यू हैव टू गिव सम स्पेस, एक या दो लाइन का स्पेस छोड़ दीजिए एंड देन यू हैव टू मैंशन द डेट इन दिस फॉर्मैट, सेम डेट मंथ ईयर एग्जैक्टली जैसे आपने फॉर्मल लेटर में लिखा था सेम फॉर्मैट। फॉर एग्जाम्पल 23rd November 2017 एंड प्लीज नोट दैट हम लोगों ने यहाँ पे पूरा मंथ मेंशन किया है नवंबर, वी आर नॉट राइटिंग 11 और 10 और 12। ओके, सो ओके नेक्स्ट अगेन यू शुड गिव सम स्पेस, लीव सम स्पेस हियर, एक या दो लाइन का स्पेस छोड़ के देन यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में यहाँ पर बिकॉज इट्स अ इनफॉर्मल लेटर, यहाँ पर आपको कैजुअल लैंग्वेज यूज़ करनी है, सो यू कैन राइट द नेम। अगर आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हैं, सिबलिंग को लिख रहे हैं या फिर रिलेटिव को लिख रहे हैं, सो यू कैन राइट डियर राधा और एनी नेम, जो भी नाम आप लिखना चाहते हैं, या फिर अगर वहाँ पर कोई नाम दिया गया है तो प्लीज़ मैंशन दैट नेम ओनली। ओके, और अगर आप अपने मदर या फादर को लिख रहे हैं, सो यू कैन राइट डियर मॉम डियर डैड। ओके नेक्स्ट आप चलते हैं बॉडी बॉडी ऑफ द मेल। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू रिसीवर्स वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, होप लाइफ इज ट्रीटिंग यू वेल, hope you are doing well, such things. Okay, and then again in the same paragraph you should mention, you should state the purpose of writing, ki kya reason hai ki aap ye letter likh rahe hain. So you should mention this in the first paragraph only. Okay, then iske baad again next chalte hain, jaise formal letter mein kiya tha uske baad ab following paragraphs mein you can use those पैराग्राफ्स टू इलेबोरेट अपॉन योर मैसेज। ओके, तो जब आप इलेबोरेट कर देंगे उसके बाद क्लोजिंग कैसे करनी है, अगेन यू हैव टू कंक्लूड, आपको समराइज करना है, यू हैव टू कंक्लूड और उसके बाद यू कैन एंड द लेटर विद नाइस एंड वार्म स्टेटमेंट लाइक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। एंड प्लीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, जब हम लुकिंग फॉरवर्ड यूज़ करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। ओके, लाइक दैट।
ओके, इसके बाद सिग्नेचर्स पे चलते हैं। तो फॉर्मल में इफ़ यू रिमेंबर हमने योर्स सिंसियरली यूज़ किया था, जो कि बहुत ही फॉर्मल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, रिगार्ड्स, या फिर बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन राइट लॉट्स ऑफ लव, अगर आप अपने फ्रेंड को, मदर को, पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को भेज रहे हैं, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट लॉट्स ऑफ लव। एंड देन योर नेम, तो ऑब्वियसली आपको अपना रियल नेम मेंशन नहीं करना है, तो यहाँ पे आप कोई भी फेक नाम, अगर एग्जाम में नाम दिया है तो प्लीज़ वही नाम मेंशन कीजिएगा। ओके, सो दैट वाज द फॉर्मेट फॉर इनफॉर्मल लेटर। चलिए अब एक फॉर्मल लेटर का सैंपल लेते हैं। ओके, लेटर टू द बैंक मैनेजर फॉर द क्लोजिंग ऑफ योर सेविंग्स अकाउंट। ओके, सबसे पहले लेटर में सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, एग्जाम्पल कृष्णा कुमारी 19 गणेश अपार्टमेंट्स, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, एंड देन यू हैव टू गिव सम स्पेस, और उसके बाद डेट मेंशन करनी है आपको इन दिस फॉर्मेट जो हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, डेट, मंथ एंड ईयर। ओके, देन अगेन स्पेस, एंड यहाँ पर क्योंकि कोई भी नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग टाइटल ले रहे हैं, द मैनेजर SBI बैंक पंकज प्लाजा रामनगर दिल्ली, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, उसके बाद फिर हमें स्पेस देना है, एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सब्जेक्ट लिखना है क्लोजर ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्वेश्चन में से ही हमने सब्जेक्ट लाइन ली है, सो इट्स रियली सिंपल, क्लोजर ऑफ सेविंग्स बैंक अकाउंट, एंड देन स्पेस के बाद सैल्यूटेशन, डियर सर, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज माई सेविंग्स अकाउंट, देन अकाउंट नंबर विद योर बैंक अंडर द नेम मिस कृष्णा कुमारी, रेजिडेंट ऑफ, देन द कंप्लीट एड्रेस जो हमने यहाँ पे मैंशन किया है 19 गणेश अपार्टमेंट्स न्यू दिल्ली, आई एम सो सॉरी इट शुड बी मुंबई, ओके मुंबई का एड्रेस लिया है हमने। ओके, सो विच आई हैव बीन होल्डिंग इन दिस ब्रांच सिंस 2008। ओके, तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया है, यहाँ पे हमने राइटिंग का पर्पस क्या, हम लोग लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो रीज़न हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है। ओके, यहाँ पे मैंने स्लैश किया है बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो यहाँ से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होगा, आई हैव रिलोकेटेड, नाउ वी हैव टू elaborate upon our message. Okay, I have relocated to Mumbai due to some unavoidable circumstances. Maine Mumbai mein relocate kar liya hai due to some unavoidable circumstances. So there have been no transactions for a long period of time. So mere account par koi bhi transactions nahi hai bahut time se, and I regret my inabilities to continue with the same. एंड और मुझे रिग्रेट है कि अब मैं इस अकाउंट के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ओके, देन आई एम रिटर्निंग माय चेकबुक एंड डेबिट कार्ड टू द बैंक। ओके, मैं अपनी चेकबुक और डेबिट कार्ड बैंक को रिटर्न कर रही हूँ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज इशू मी, अब आप कंक्लूड कर रहे हैं लेटर को, I request you to please issue me a demand draft for my existing balance and solicit your kind cooperation to go through the process. Okay, thanking you, your sincerely, comma, and then your name and address. You can also mention your email address and telephone number or mobile number. तो फॉर्मल लेटर में आपको, फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर वर्ड काउंट दिया है देन इट्स फाइन, तो आपको उसी वर्ड काउंट पे स्टिक करना है, और अगर नहीं दिया देन इट शुड बी बिटवीन 75 to 75 and 120 words, तो इसी बीच में लेटर लिखिए। और अब एक सैम्पल इनफॉर्मल लेटर का। ओके, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, लेटर टू योर सिबलिंग मेंशनिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। ओके, सो सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो हमने इनफॉर्मल लेटर का सीखा है। ओके, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस आएगा, देन उसके बाद डेट आएगा इसी फॉर्मेट में, देन डियर गणेश, यहाँ पे हमें कैजुअल लैंग्वेज यूज करनी है बिकॉज दिस इज एन इनफॉर्मल लेटर, सो डियर गणेश
हाउ हैव यू बीन, बिकॉज हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. हाउ हैव यू बीन, आई एम, उसके बाद हमें हम क्यों लेटर लिख रहे हैं हमें ये बताना है. सो आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव डिसाइडेड टू अपीयर फॉर बैंक एग्जाम्स. लेट मी शेयर सम टिप्स टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स. सो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज किए और यू हैव एंड यू हैव मेंशन, यू हैव स्टेटेड द पर्पस ऑफ राइटिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. Draw up a timetable giving sufficient time to all the subjects but a little more to those subjects in which you are weak. Next step is to strictly follow the timetable. Okay, तो अब आप elaborate कर रहे हो उस चीज को following paragraphs में. Okay, next paragraph. यहाँ पे space कम है तो मैंने slash करके next paragraph कर दिया. Then watch YouTube videos as well to enhance your knowledge. I suggest you to subscribe the YouTube channel of Wi-Fi Study. I hope आप सबने भी कर लिया है. Okay. Try to solve the sample papers. It will help you in your self-assessment. Keep practicing and work hard, as you know there is no substitute to hard work. I hope these tips will help you in securing good position in the examination. Okay. So. That was the sample and at the end you can say all the best, because आप अपने sibling को बता रहे हैं कि उन्हें exam के लिए कैसे prepare करना है. So at the end you can say all the best with lots of love, Krishna. Okay, so that was the sample, that was the informal letter. और अब आपके लिए कुछ useful phrases जिन्हें आप letter writing में use कर सकते हैं. Okay, so useful phrases. First, I am contacting you regarding. तो जब आप start करते हैं first paragraph में, you can write this कि आप क्यों contact कर रहे हैं. I mean when you are stating the purpose of writing. तो at that time you can use this phrase. Second, I am writing to draw your attention to. Again, ये phrase भी आप purpose बताने के लिए use कर सकते हैं. Third, I wish to inform you that. Fourth, I'm writing to inform you that. It's, I mean, same hai ye, third or fourth, zyadatar. Fifth, I would appreciate if you could. Ye bahut hi zyada polite hai, to formal letter mein is tarah ke phrases bahut achhe lagte hain. Sixth, I would be most grateful if you would. Again, this is also very formal. Seven, I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you soon. ओके, जब आप लुक फॉरवर्ड, मैंने पहले भी ये बताया है, जब हम लुक फॉरवर्ड टू यूज करते हैं तो इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है. ओके, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस. तो इन फ्रेजेस को आप अपने लेटर में, लेटर राइटिंग के टाइम यूज कर सकते हैं. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मल लेटर लिखते हुए आपको एब्रीविएशंस या कॉन्ट्रैक्शंस का यूज नहीं करना है. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं. ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको, दो लेटर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और ये कुछ, ये फाइव टॉपिक्स और हैं जिन पर आप लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है इन टॉपिक्स में से कुछ आ जाए आपके एग्जाम्स में. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Okay, first is letter to the bank manager requesting to extend the joining period as you have received the offer letter for the bank job. तो यहाँ पे आपको बैंक मैनेजर को एक लेटर लिखना है, उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए कि वो आपका ज्वाइनिंग पीरियड एक्सटेंड कर दें. आपको ऑलरेडी ऑफर लेटर बैंक जॉब के लिए मिल चुका है, बट यू नीड एन एक्सटेंशन. ओके, ओके, नेक्स्ट. Next topic is letter to a credit officer requesting for a credit card. Okay, next topic, letter to the bank manager seeking time for payment of EMI. Okay, next is letter to the editor of a newspaper on cyber crimes taking place in your city and suggest measures. So these are all formal. उसके बाद एक टॉपिक है लेटर टू
पेरेंट्स इन्फॉर्मिंग देम अबाउट योर सिलेक्शन इन अ बैंक. सो आई होप दैट हेल्प. अगर आपकी कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजिए एंड विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सी यू अगेन सून इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन गुड बाय.